मैं जितपाल सिंह गवर्नमेंट एम कॉलेज मानगढ़, स्किल डेवलपमेंट का जो क्लास में चल रही थी डाटा एंट्री के अंदर, इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर को एनाटॉमी या संरचना के आधार पर अपने तीन भागों में बांटा था। पहला था इनपुट डिवाइसेस, दूसरा था प्रोसेसिंग और तीन नंबर था आउटपुट डिवाइसेस। डाटा एंट्री का मतलब आपको समझाया था मैंने। डाटा एंट्री क्या चीज होती है? कोई भी एंट्री अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं वो डाटा से एंट्री है। डाटा क्या होता है? कोई भी रॉ मटेरियल जिस पे अपने अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई। प्रोसेसिंग का मतलब आपने ABCD दबा दी, कुछ भी ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, इसका कोई मतलब नहीं बनना। लेकिन कोई अपने वर्ड लिख दिया, WORD लिख दिया आपने, इसका मीनिंग बन जाएगा। अपने NMPG कॉलेज लिख रहे हैं उसका मीनिंग बन रहा है। वो क्या होगा फिर? अपने एक तरह से इन्फॉर्मेशन या सूचना होगी। जब डाटा की एंट्री कंप्यूटर में कर लेते हैं उनसे कोई मतलब बन जाता है, वो अपने सूचना या इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब उसी सूचना या इन्फॉर्मेशन को अपने डाटा के रूप में इकट्ठा करके रख लेते हैं। किस में रखते हैं? फाइल के अंदर रखते हैं। फाइल को कहाँ रखते हैं? फोल्डर के अंदर रखते हैं। ये फोल्डर कहाँ शो होता है? सम डेस्कटॉप के ऊपर शो होता है या किसी ड्राइव में भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब जब अपने प्रैक्टिकली कोई काम करेंगे वो सिस्टम थोड़ा अलग है। अभी अपने क्या समझ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में? मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करना जरूरी है। आपने पहले कंप्यूटर कर भी रखा होगा लेकिन ये चीज़ जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आगे अपने को समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ सबको काम आएगी। आज आपके डाटा एंट्री की क्लास चल रही है, फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे आ रहे हैं उनके सिलेबस में एलिमेंट्री कंप्यूटर के रूप में, प्लस जिसके पास ऑप्शनल कंप्यूटर है, जिसने हिस्ट्री की जगह कंप्यूटर लिया, केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर लिया और कॉमर्स के अंदर EFM की जगह कंप्यूटर लिया, उनके भी सिलेबस में है ऑप्शनल कंप्यूटर में। एलिमेंट्री ऑप्शनल का फर्क क्या है? एलिमेंट्री कंप्यूटर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर ABCD OMR शीट के ऊपर आपको लिख कर देना पड़ेगा। ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं OMR शीट में, क्वेश्चन का आंसर जो भी सही है, मान लो बी सही है तो बी ब्लॉक अपने OMR शीट में बॉल पेन से भर देते हैं, वो इसका आंसर है। इस तरह से OMR शीट के अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा एलिमेंट्री कंप्यूटर के अंदर। वही चीज ऑप्शनल कंप्यूटर के अंदर सब्जेक्टिव रूप में आएगी। ये क्या था? ऑब्जेक्टिव। वो क्या होगा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपको आंसर शीट मिलेगी, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर सब्जेक्ट लिख के देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब एलिमेंट्री कंप्यूटर, ऑप्शनल कंप्यूटर और डाटा एंट्री, ये जो आपने शुरू कर रखा है ये सब जगह काम आएगा। इसके अलावा कहाँ और कहाँ काम आएगा? कंपटीशन जितने आप देते हो, चाहे LDC का कंपटीशन देते हो, जैसे पटवारी की पोस्टें निकलती हैं, सब जगह ये कंप्यूटर काम आता है। तो वहाँ पे ये सिलेबस मेन है। आप कभी उठा के देख लेना, ये सिलेबस आपको जो कराया जा रहा है उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो आपको भी इस चीज़ का वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे जाके BEd करते हैं, BA करके BEd बच्चे करते हैं, तो BEd के अंदर जो आता है BEd में नंबर जुड़ते हैं, वो भी यही चीज़ है। कहना जो आप ये चीज़ कर रहे हो ये सब जगह काम आएगी, आपके लाइफ में सब जगह काम आएगी। आप पढ़ के आगे भी जाओगे, फील्ड के अंदर भी जाओगे, वहाँ भी ये चीज़ काम आएगी। तो मेरा कहने का जो आप डाटा एंट्री का कोर्स नया शुरू हुआ है राजस्थान सरकार गाइडलाइन के अनुसार, उसने सारी चीज़ें आपके काम की हैं। तो आपने स्टार्टिंग से करना है। मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ करवा रहा हूँ, समझा भी रहे हैं, उसके बाद इसको नोट्स के रूप में भी आपको देंगे। नोट्स का क्या मतलब होगा? आपको परिभाषा मैंने बोल के बता दी, अभी लिखवाई नहीं, मान लो तो चीज़ आपको लिख के वहाँ मिल जाएगी। इनपुट वाइसेस की परिभाषा, प्रोसेसिंग की, आउटपुट की, जितनी भी डेफिनेशन हैं वो डिटेल में आपको मिल जाएगी। या सिर्फ आपको समझाया जा रहा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, प्लस जब ये अपना थोड़ा कोरोना ठीक हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल के लिए भी परमिशन मिलेगी। जहाँ पे जो कुछ आपको सामने करवा रहे हैं उसको कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकल के रूप में फिर अलग से समझाया जाएगा। अभी कोरोना है इसलिए आपके क्लास ऑनलाइन लग रही है, तो ऑनलाइन आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। अगर कोरोना बढ़ता भी है तो आपको कंप्यूटर के ऊपर यहाँ बैठ के ऑनलाइन भी आपको सामने कंप्यूटर के ऊपर सारी चीज़ें करवाएंगे जो हम यहाँ पर समझा रहे हैं। ये चीज़ अभी थ्योरेटिकल है, थ्योरी समझेंगे फिर आगे आपने प्रैक्टिकल शुरू होगा। लेकिन थ्योरी अच्छी तरह से आपने समझ लेनी है जो आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। अगर मान लो दिक्कत हो रही है तो आपको मैंने फोन नंबर उसने भी लिखवाया था, दोबारा फिर लिखवा रहा हूँ, 9994980306। इस नंबर पे आप सीधा मैसेज करके मेरे को मैसेज कर सकते हो, फिर आपसे बात भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो, सारा कुछ आपको यहाँ पे करवा रहे हैं और बार बार रिपीट करवा रहे हैं। जो मैंने आपको परसों कराया था वो भी, कल कराया वो भी, आज फिर मैं थोड़ा रिविजन करवा रहा हूँ। धीरे धीरे आगे अपने चलेंगे, सारा साहब को समझ में आ जाए। तो ये क्या था? इनपुट डिवाइसेस अपने बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मैंने बताया कि कहाँ पे ये कोर्स काम आएगा, डाटा एंट्री का एलिमेंट्री में काम आएगा, ऑप्शनल कंप्यूटर में काम आएगा, सब जगह काम आएगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा, उसके बाद कंप्यूटर को एनाटॉमी या संरचना के आधार पर
एनाटॉमी, इसको अपने कह सकते हैं संरचना। इसको तीन भागों में बांटेंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। फिर मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस भी बताए थे, जैसे कीबोर्ड के बारे में बताया था आपको, यूज करवा रखी है थोड़ा आपको वर्बली में, आज फिर दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। कीबोर्ड क्या काम आता है, डाटा एंट्री के काम आता है। कोई भी अपने कंप्यूटर को निर्देश देने हैं तो कीबोर्ड के थ्रू देंगे। कीबोर्ड के अंदर अलग अलग कीज मैंने आपको बताई थी, कीज कितने प्रकार की थी, छह प्रकार की थी। कौन से, एक नंबर आपको बताई थी अल्फाबेटिकल कीज। अल्फाबेट कौन से होते हैं, जीरो से ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, ये क्या सारे अल्फाबेट्स हैं। फिर दूसरा बताया था न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज कौन सी होती है, जीरो टू नाइन, जीरो टू नाइन, टोटल दस है, ये छब्बीस हो गए, ये दस हो गए। ये क्यों गिना रहा हूं आपको, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर कीज जो होती है, जो बटन होते हैं, वो 101 वाला कीबोर्ड होता है, 104 वाला कीबोर्ड होता है, 104 भी, 104 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। तो कहने का मतलब ये कीज वहां काउंट होती है। उसके बाद तीन नंबर आपको बताया था लॉजिकल कीज। लॉजिकल कीज कौन सी होती है, जब कंप्यूटर के अंदर कोई आपने फैसला लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, जैसे आपने कोई छोटी संख्या निकालनी है, लेस देन, बड़ी संख्या निकालनी है, ग्रेटर देन, ये सिंबल्स वहां पे अपने काम आते हैं। चार नंबर आपको बताया था अर्थमेटिकल कीज। अर्थमेटिकल कीज कौन सी होती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कैलकुलेशन आपने करनी है कंप्यूटर के ऊपर, ये अपने को काम में आते हैं, ये कीज अपने काम आएंगे। पांच नंबर आपको बताया था फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज कौन सी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, ये कहाँ काम आती हैं, ये कॉम्बिनेशन बनाने का काम आती हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, एक बटन आप दबाओगे आपके जो कमांड है वो फाइनल हो जाएगी। कैसे, आप आगे जाके डॉस के ऊपर जो फाइल बनाओगे तो वहां पे आपने फाइल को सेव करना होता है, तो सेव करने के लिए किसी एक की आएगी F6, F6 दबा के एंटर करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी। सेव नहीं होगी, कंट्रोल जेड का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपने एंटर बटन दबाना तो आपकी फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। तो एक की मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। फिर मैंने आपको बताया था F1 के बारे में, सॉफ्टवेयर किसके अंदर काम कर रहे हो, F1 की दबाओगे तो आपके हेल्प के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आपको मदद लेना चाहते हो डॉस के अंदर तो आपको हेल्प मिलेगी उसके बारे में जो आप पूछना चाहते हो। तो ये क्या था फंक्शनल कीज। लास्ट में आपको बताई थी स्पेशल कीज। स्पेशल कीज कौन सी थी, जैसे अल्टरनेट बताया था आपको मैंने, कंट्रोल, CTRL, इसी तरह स्केप, ये काफी सारी आपको मैंने कल समझाई थी। वो सारी कीज क्या है, स्पेशल कीज है। इन सब, ये सभी कीज किस में आएंगी, कीबोर्ड के अंदर, ठीक है, ये सारा कहता है कीबोर्ड। अब दूसरा अपना टॉपिक आज शुरू कर सकते हैं, इसमें दो नंबर क्या है, अब माउस। माउस क्या चीज है, अब तक जो अपने काम कर रहे थे डॉस बेस कर रहे थे, जहां पे अपने जो भी काम देना, निर्देश जो भी देने हैं, जो कमांड्स देनी है वो डॉस के ऊपर देनी है। डॉस का मैंने कल आपको मतलब बताया था, डॉस क्या था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो जिससे अपने, जिसके थ्रू अपने निर्देश दे सकते हैं, उन निर्देशों को समझ कर वो आगे अपने रिजल्ट देता है। तो डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस के अंदर कैसे आप निर्देश दोगे, ये सिंबल आपको पास मिलेगा, इसको बोलते हैं डॉस प्रॉम्प्ट। डॉस प्रॉम्प्ट, डॉस प्रॉम्प्ट, इसमें क्या चीज है, सी का मतलब क्या होता है, ड्राइव। सी का मतलब ड्राइव, ये दो कॉलम दिखा रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम। फिर ऐसे ये क्या है, पाथ। फिर ग्रेटर देन का सिंबल, ये सारी चीज इसमें आएगी, इसको बोलते हैं डॉस प्रॉम्प्ट। तो यहां पे अपने कोई निर्देश देते हैं, तो कल मैंने एक निर्देश देकर बताया था, जैसे आपने कर दिया DIR, DIR लिख के एंटर करोगे तो आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी फाइलें सेव हो चुकी हैं, या कौन सी डायरेक्टरी आपने पहले बना रखी है उसकी लिस्ट दिखा देगा। आपने इसको ये नहीं कहा लिस्ट लिखे यहाँ पे, स्ट्रिंग लिखा आपने, सीधा अपने कमांड का नाम है DIR, मतलब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर फाइलें भी अपने आप शो कर देगा। डायरेक्टरी क्या होती है, विंडोज के अंदर जो फोल्डर बनता है उसी तरह डॉस के अंदर डायरेक्टरी होती है। फोल्डर क्या काम आता है, जिसके अंदर अपने फाइलें सेव करके रख सकते हैं। फाइल का क्या चीज होती है, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो सारी चीजें वो एक फाइल में ही सेव होगी। अगर आपने मान लो यहाँ पे सी कॉलम पास आपके डॉस का सिंबल है, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा ABCD और एंटर कर दिया, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि एंटर करने का मतलब आपने यहाँ पे कमांड दी है। अपने कमांड नहीं देनी, अपने फाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए इसके अंदर आगे जाकर फिर एक कमांड आएगी, वो भी आपको समझाएंगे अलग से, कॉपी कॉन। कॉपी कॉन लिख के आपने कोई फाइल का नाम लिख देना है और एंटर कर देना है। अब इसमें कुछ भी आप लिख दो, जैसे अपने वर्ड एक्सेल में फाइल बनाते हैं, एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं, उसमें लिखते हैं कुछ भी, बाद में फाइल मेनू में जाके फाइल के अंदर सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस दबा देते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं, तो फाइल सेव हो जाती है।
उसी तरह डॉस के अंदर भी तरीका है। अब डॉस का बार बार आपको नाम क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में डॉस है। सिलेबस का मतलब डॉस के ऊपर सारी चीज डिपेंड करती है। डॉस के अंदर मेन सिस्टम फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करती हैं। विंडोज के अंदर अपने सीडी पर विंडोज अपने करप्ट हो जाए तो क्या करते हैं, सीडी के थ्रू अपने उसको दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर दोबारा इंस्टॉल ना हो कोई प्रॉब्लम दिखाई तो उसका मतलब आपके सिस्टम फाइलें उसमें नहीं है, तो सिस्टम फाइल लोड करनी पड़ती है। तो डॉस की कमांड्स भी अपने को करनी है। ये सिलेबस में है, एलिमेंट्री कंप्यूटर के सिलेबस में भी है, आगे ऑप्शनल में भी है, इसलिए हम डाटा एंट्री के अंदर भी ये काम आ सकती हैं, तो हम उसको भी लेके चल रहे हैं साथ में। ये सारी चीज़ें बेसिक के अंदर आएंगे। पहला अपना टॉपिक चल रहा है बेसिक कंप्यूटर, तो बेसिक में सारी चीज़ें आ रही हैं, उसके हिसाब से आपको करवाया जा रहा है। और बात करें माउस की, माउस क्या चीज़ है? अब कोई भी आपने काम करना है वो किस पे आधारित होगा, GUI। विंडोज में जब काम करेंगे विंडोज किस पे आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डॉस किस पे आधारित है, CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि जो भी निर्देश देंगे वो लिख के देंगे ABCD। इसमें क्या करेंगे, आपके पास आइकन फोल्डर पिक्चर के रूप में दिखाई देंगे, वहां आपने क्लिक करना है वो आइकन ओपन हो जाएगा। जो आपका फोल्डर बनाया है डबल क्लिक करोगे फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये किससे कैसे ओपन करेंगे, माउस के द्वारा। माउस अपने पास होगा उसके द्वारा अपने क्लिक करेंगे। तो माउस क्या है, माउस दिखने में सिंपल, आपने देखा होगा लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, इसके थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट बटन दबाओगे उसका अलग कंट्रोल होगा, राइट बटन दबाओगे उसका अलग कंट्रोल होगा, बीच में स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल से स्क्रीन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब माउस के अंदर ये चीजें हैं। अब माउस भी अलग अलग तरह के होते हैं, कौन से, एक नंबर है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस कैसे होते हैं, मैकेनिकल माउस जो होते हैं उन माउस के अंदर नीचे वाली साइड में बॉल लगी होती है, मतलब जब ये इसमें काम करोगे माउस को जब हिलाओगे तो नीचे वाली बॉल दिशा तय करेगी, जिस तरह से करोगे बॉल घूमेगी उस तरह आपका माउस की पोजीशन जो है, जो तीर का निशान जो सिंबल है माउस का होगा वो वैसे काम करेगा, इसको बोलते हैं मैकेनिकल माउस। फिर आ गया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस कौन से होते हैं, जो आज आपने देखा होगा जो सेंसर लगा होता है नीचे रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही होती है, वो ऑप्टिकल माउस के अंदर आता है, इसमें बॉल नहीं होती। तीन नंबर है कोडलेस माउस। कोडलेस माउस, कोडलेस माउस कौन से होते हैं, जिसमें वायर नहीं होती, बिना वायर के। कोडलेस मतलब बिना वायर के, ये वायर नहीं होगी, यूएसबी द्वारा से कंट्रोल किया जा सकता है, सेंसर लगा होगा डायरेक्ट ये कंट्रोल होंगे, तो इसको बोलते हैं कोडलेस माउस। तो माउस अपने तीन तरह के कह सकते हैं, पहले कीबोर्ड था और दो नंबर माउस। अब आगे ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल भी माउस की तरह ही है, जो बॉल नीचे वाली साइड में लगी थी अब वही बॉल माउस के ऊपर वाली साइड में आ गई। जैसे अपने लैपटॉप में अंदर देखते हैं, लैपटॉप के अंदर माउस अपने यूज करते हैं तो सामने टच करते हैं फिंगर तो माउस अपना काम करता है, उसी तरह वही बॉल ऊपर वाली जब साइड में आ जाए तो अपने माउस को नहीं लाना, बॉल को टच करना है। इसमें क्या होगा, सिंपल जो अपने माउस यूज करते हैं ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं, माउस पूरे को हिलाते हैं फिर वो काम करता है, लेकिन जब ट्रैक बॉल होती है बॉल थोड़ी साइड में आ जाएगी नीचे थी तो बॉल को आपने लाना है तो आपका वो माउस काम करेगा, उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। फिर आ जाता है चार नंबर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या चीज होती है, जॉयस्टिक आज देखा होगा अपने बच्चे गेम खेलते हैं, कंप्यूटर के ऊपर अलग से माउस होता है, बच्चे गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक यूज होती है। इसमें एक लोहे की रॉड ऊपर ऊपर की साइड में होती है, उस रॉड को आपने हिलाना है लेफ्ट राइट अप और डाउन, माउस की तरह है उसी दिखने में, लेकिन उसमें एक स्टिक लगी होगी, उसको बोलते हैं जॉय स्टिक। पांच नंबर आ जाएगा लाइट पेन। लाइट पेन आप चाहते हो जो भी काम सामने दिख रहा है वो आप नीचे, इसमें एक पैड होगा उस पैड के ऊपर कुछ भी लिखोगे सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक तरह से, इसे जो सामने दिखाई देगा वो आपको नीचे दिखना होगा, सामने आपके ड्राइवर कुछ भी अपने काम किए हैं वो लाइट पेन के थ्रू आप कर सकते हो। फिर लास्ट में अपने कह सकते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या चीज है, आज की डेट में अपन जगह जगह देखो फोटोकॉपी आप करवाना चाहते हो वो एक तरह से स्कैनर है। इसमें फिर अलग अलग चीजें आ जाएंगी, कौन कौन सी, जैसे एक नंबर है इसमें OMR। OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। एलिमेंट्री का कंप्यूटर दोगे फर्स्ट ईयर में, उसमें जो शीट आपको मिलेगी OMR शीट होती है, उस OMR शीट को कंप्यूटर में चेक किया जाता है। फिर आता है OCR,
मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जो फोटोकॉपी अपने करवाने जाते हैं उसमें जो भी अपना मैटर होता है मशीन के ऊपर रखते हैं, वो उसको स्कैन कर लेता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। फिर आता है 3 नंबर MICR, इसका मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या काम आता है बैंकों के अंदर, बैंकों के अंदर एक स्पेशल ड्राफ्ट करने के लिए इंक यूज की जाती है, वो इंक जब यूज कर लेते हैं उसको फिर ये MICR के द्वारा, ये मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। तो ये 3 तरह के अपने स्कैनर यूज करते हैं। एक और आता है बार कोड रीडर PCR, बाजार में आपने देखा होगा प्रोडक्ट आता है, आपने कोई सामान आपने खरीदा उसके ऊपर मार्क लगे होते हैं लंबी लंबी लाइनें अलग अलग साइज की, उसको स्कैन किया जाता है, हैंड हेल्ड स्कैनर बोलते हैं उसको, हाथ के द्वारा चलाते हैं तो आपका जो रेट होता है वो मशीन के अंदर आ जाता है, उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। जगह जगह ये आजकल यूज हो रहे हैं। अब ये था स्कैनर। अब एक चीज और कह सकते हैं अपने डिजिटल कैमरा, ये भी अपने इनपुट वॉइस में कह सकते हैं इसको। जैसे हमने कोई फोटो खींची, पहले क्या होता था कैमरे के द्वारा फोटो खींची जाती थी, उस फोटो का नेगेटिव बनता था, नेगेटिव को लैब के अंदर जाके फोटो तैयार की जाती थी। अब क्या हुआ, डिजिटल कैमरा आ गया, फोटो खींची, पेन ड्राइव या सीधी वाईफाई के द्वारा उसको अपने कंप्यूटर में ले आते हैं और फोटो तैयार करके उसको प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं या मशीन के द्वारा आगे लैब में जाके प्रिंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल कैमरा। वायर के द्वारा भी अटैच हो सकता है, वाईफाई भी अपने अटैच कर सकते हैं। ये सारे क्या थे, अब इनपुट डिवाइसेस। अब है जब डाटा की एंट्री हो जाती है, आपने यहाँ पे कीबोर्ड के द्वारा कोई बटन दबाया, डाटा एंट्री होने के बाद वो कहाँ जाती है, वो जाती है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन उसके अंदर होके जाके होता क्या है, वो होती है प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेसिंग। डाटा का जो भी आपने एंट्री कर ली उसको प्रोसेसिंग का मतलब प्रक्रिया, मतलब कि समझा जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब जो आपने काम किया उसको प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग CPU के द्वारा समझी जाएगी। अब CPU को भी आगे डिटेल है। अब CPU क्या कहते हैं, ज्यादातर कंप्यूटर का दिमाग अपने CPU को कह देते हैं। CPU कैसा होता है, अपने कह सकते हैं ये एक बॉक्स है, राइट हैंड साइड में पड़ा होता है ज्यादातर ये बॉक्स, इसको अपने CPU कह देते हैं। लेकिन रियल में ये CPU नहीं है। CPU के अंदर फिर अलग अलग चीजें आएंगी। अब सबसे पहले CPU के अंदर एक नंबर अपने कहेंगे मदरबोर्ड। ये अपने एक बॉक्स कह सकते हैं, ये क्या एक बॉक्स है, इसको कैबिनेट बोलते हैं, CABINET, कैबिनेट। इस कैबिनेट के अंदर राइट हैंड साइड के ऊपर कॉर्नर के ऊपर एक लोग होती है SMPS, मतलब स्विच लोड पावर सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको, स्विच मोड पावर सप्लाई, पूरा नाम इसका स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करती है, कंप्यूटर को पावर देती है, कंप्यूटर को करंट देती है। पीछे से इसमें वायर लगी होगी, इसमें उसे अपने बोर्ड के ऊपर प्लग इसका अटैच कर देंगे, इसके अंदर से फिर वायर निकलेंगे अलग अलग, वो कहां जाएंगी, ये मदरबोर्ड। नीचे मदरबोर्ड लगा हुआ है, ये पूरा मदरबोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना हुआ पूरा मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, अलग अलग इसमें स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स में क्या होगा, मेमोरी वगैरह, अलग अलग जो कार्ड्स लगते हैं उन स्लॉट्स में लगते हैं, इंटरनल कार्ड एक्सटर्नल कमांड इसी से अटैच होते हैं। इसी में एक होता है प्रोसेसर, ये रियल में प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है। CPU को अपने कह देते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग CPU है। लेकिन CPU एक बॉक्स है, पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसमें एक प्रोसेसर है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा, इसको अपने कहेंगे मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड के अंदर ही अलग अलग डिवाइस, कौन से, जैसे मॉनिटर आपने अटैच करना है, आपने प्रिंटर अटैच करना है, कीबोर्ड माउस आपने अटैच करना है, ये सारी चीजें मदरबोर्ड के बैक साइड में लगी होती हैं, जहां से ये अपने आगे अपने कमांड इसी के थ्रू देंगे। अपने स्लॉट्स होते हैं इसी तरह, यहां पे इसी के अंदर ही हार्ड डिस्क लगी होगी, हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मेमोरी, जिससे कंप्यूटर की
यादाश्त कह सकते हैं, ये भी हार्ड डिस्क इसी में लगी होगी। इस वाले साइड में यहां पे अपने डीवीडी, डीवीडी राइटर, सीडी प्लेयर ये लगते हैं। सीडी प्लेयर बंद हो चुका था, आज डेट में कम यूज होता है, इसकी जगह डीवीडी ने ले ली। अब डीवीडी कम हो गया, इसकी जगह क्या आ गया, पेन ड्राइव। अपने क्या यूज करते हैं, पेन ड्राइव। और भी नई नई टेक्निक्स आ गई, लेकिन सिंपल आज की डेट में अपने पेन ड्राइव यूज करते हैं। सीडी डीवीडी भी कम हो गया, फिर भी अपने लगाना है तो लगा सकते हैं डीवीडी प्लेयर, वो भी यहां से लगेगा। अब सीडी और डीवीडी प्लेयर आपने लगा दिया, इसको भी अटैच फिर मदरबोर्ड में किया जाएगा। पहले तो क्या है, एसएमपीएस से करंट मिला, उन सारे वायर्स को एक स्लॉट के अंदर लगा दिया गया। अब उसी तरह डीवीडी जो प्लेयर है उसको भी पावर चाहिए, करंट चाहिए, कहां से मिलेगा, मदरबोर्ड से मिलेगा। इसमें हार्ड डिस्क भी लगाई, हार्ड डिस्क को भी करंट और पावर चाहिए, इसमें इसमें से एक वायर मदरबोर्ड के ऊपर लगेगी। कहने का मतलब सबको करंट पावर अगर चाहिए, मेन पावर एसएमपीएस से आएगी मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड से आगे फिर सप्लाई होगा। डीवीडी डायरेक्ट करंट एसएमपीएस से मिलेगा, जो मशीन जिसके अंदर होती है वो डायरेक्ट मिल जाता है, जो जिनको पावर ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए, वो डायरेक्ट भी चलते हैं। लेकिन डाटा शेयरिंग कहां से होगी, मदरबोर्ड से। डाटा शेयरिंग मतलब अपने जो भी फाइल बनाई उसको आप देखना चाहते हो, शेयरिंग करना चाहते हो दूसरे से, वो सारा काम मदरबोर्ड के थ्रू होगा, वो शेयरिंग मदरबोर्ड के ऊपर होगी। प्रोसेसर अपनी हेल्प करेगा किसके थ्रू, मेमोरी के थ्रू। तो ये क्या था सारा मदरबोर्ड के बारे में, हम नेक्स्ट आगे वाली क्लास में आगे आपको समझाएंगे। थैंक यू।